सलमान खुर्शीद अब बेतुके बयान देते नजर आ रहे हैं कि मैंने सेम कहा था, सिमिलर नहीं कहा था हिंदुत्व को। अब देखिए, अयोध्या में भी संत समाज में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अब देखिए संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है सलमान खुर्शीद के खिलाफ। क्या कुछ जानकारी पूरी, ये भी आपको बताते हैं। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य करेंगे अनशन। सलमान खुर्शीद पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनशन किया जाएगा कोतवाली में। अयोध्या में अनशन पर परमहंस आचार्य बैठने वाले हैं और पूर्व में भी तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उनकी तरफ से कहा गया है। आईएसआईएस और बोको हराम से की थी हिंदुत्व की तुलना, इसलिए संत समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है। मनमीत गुप्ता हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनमीत का रुख कर लेते हैं। मनमीत, सलमान खुर्शीद की किताब के विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है, संत समाज अनशन पर बैठने की बात करें, आपके साथ संजय मौजूद है, उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, अब से कुछ देर में जो परमहंस आचार्य हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य, वो अयोध्या कोतवाली के लिए निकलना वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि जो ये छावनी है, यहाँ पर जो है पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गई है, इनको रोकने के लिए कि ये कोतवाली ना जाए और कोतवाली में ये अनशन ना करे। इस अनशन को रोकने के लिए यहाँ तपस्वी छावनी में जो है पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। हमारे साथ खुद जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, हम उन्हीं से सवाल करते हैं कि जिस तरीके से आज आपने ऐलान किया है कि अगर सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा तो आप अनशन करेंगे, तो अभी आपकी रणनीति क्या है? 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, भारत माता पर खंजर चलाया, हिंदुओं का खून पिया। कभी ये भगवान राम को हमारे आराध्य को काल्पनिक बताते हैं, कभी पी चिदम्बरम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला ठीक नहीं दिया, कभी राशि दल भी कहते हैं जय श्री राम बोलने वाले राक्षस हैं, और सलमान खुर्शीद तो जो है आईएसआईएस बोको हराम बता रहे हैं हम लोगों को। हम बहुसंख्यक समाज 500 वर्षों तक अगर हम लोग बोको हराम और आईएसआईएस होते तो अपने आराध्य के लिए हम 500 वर्ष न्याय का इंतजार नहीं करते। इसलिए हमने तहरीर दिया है कोतवाली अयोध्या में, अभी तक एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई है। अगर बहुसंख्यक समाज को न्याय का भी दरवाजा बंद हो गया है तो हम लोगों को ये बता दें कि हम लोग आत्महत्या कर लें, और आज हम जा रहे हैं कोतवाली अयोध्या। ये भाई यार क्यों पंजीकृत नहीं हो रही है? इन कांग्रेसियों ने 70 साल तक बहुसंख्यक समाज का खून पिया है, अब हम लोगों को ये आतंकवादी बता रहे हैं, इसलिए हम न्याय के लिए जो है, यानी कि संत समाज में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है, देखना होगा अनशन करने की बात ये कह रहे हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको वाराणसी से भी बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के सांसद ने राहुल गांधी पर बयान दे दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर बात करना टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी है। तो दरअसल देखिए, राहुल गांधी के सोच पर बीजेपी सांसद की तरफ से ये बयान, बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल का एक बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी के सोच पर बात करना समय की बर्बादी है, हिंदुत्व हमारे देश का संस्कार है, ये किसी एक धर्म का नहीं, जो इस देश में सभ्यता संस्कृति से सांस लेता है वो हिंदुत्व है। जिन्ना का नाम लेकर दुकान नहीं चलने वाली है, लेह लद्दाख के युवा सांसद हैं चमयांग सेरिंग। या जो लोग और भी किसी को मानते हैं जो इस देश को तोड़ने के काम किया, इस देश को आज भी जो तोड़ने के काम कर रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह जानते हैं और हर चुनाव में जो है देश की जनता इसका जवाब देते रहेंगे। हिंदुत्व जो है इस देश का संस्कार है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है। इस देश में जो इस देश के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ जो जीता है, सांस लेता है, वो हिंदुत्व से जुड़े हैं।